नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और मेरे चैनल टूर इनसाइड इंडिया पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आपको जो हल्दीघाटी का संग्रहालय है उसका पार्ट ये तीसरा देखने को मिल रहा है और इस पार्ट को देख के आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत ज़बरदस्त ये पार्ट आपके लिए होने वाला है। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब देखिए ये जो पार्ट है वो तीसरा, और इसमें महाराणा प्रताप की सारी कहानी और पूरा इतिहास आपको पूरा जानने को मिलेगा। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभ ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। पति ने वीरांगनाओं के साथ किया और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी भूलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवा कर उन्हें मौत के घाट उतारा। ये शेरगुलाम का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान माना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में अंतर मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो इसे पुनः सहसम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश में गुरुओं से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी पर पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। आगे की तरफ चलिए। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है।
मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछाने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछाना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि हमें ही तरफ चले। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। दोस्तों आप ये देख रहे हो महाराणा प्रताप अपने गुफा में जो हल्दीघाटी में स्थित है उसमें अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं और इस हॉल में जो हल्दीघाटी युद्ध में जिन महान वीरों ने भाग लिया ये राणा पूंजा है और ये सभी वीरों ने भाग लिया था उस हल्दीघाटी युद्ध में जिन्होंने भाग लिया उनके सबके स्टेचू यहाँ लगे हुए हैं और एक तरफ महाराणा प्रताप के वंशजों का भी ये स्टेचू इधर आप देख रहे हो। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त संग्रहालय आपने देखा और ये श्रीमाली जी द्वारा बनाया गया बहुत अद्भुत ये संग्रहालय है। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ आप देख रहे हो और इस हॉल में सभी वीरों की फोटो लगी है। हल्दीघाटी में क्षेत्रीय गुलाब के नाम से प्रसिद्ध है। आप ये प्लांट देख रहे हैं, इस पात्र के अंदर 10,000 गुलाब के फूल और 25 लीटर पानी डालते हैं, फिर नीचे से आग जलाते, आग से स्टैंड के अंदर भाप स्टीम बनती है जो इस बांस की नाले की सहायता से तीसरे कोपर के पात्र में इकट्ठा होता है। उससे हमारे यहाँ गुलाब जल, गुलकंद, शरबत और इत्र तैयार होता है
गुलाब जल आंखों में, मेकअप में, मिठाई में काम आता है। दूसरा होता है गुलकंद, गुलाब की ताजा पत्ती और मिश्री को कूट के सूर्य की रोशनी में तैयार करते हैं। गुलकंद गैस, कब्ज, एसिडिटी और स्पाइस में काम आता है। एक होता है डायबिटीज वालों के लिए जाम। दोस्तों ये कुछ शॉप्स बनी हुई है जहां आप गुलाब जल, गुलकंद इत्यादि खरीद सकते हो। और ये आपने पहले देख ही लिया पिछले वीडियो में, अगर आपने ऐसी चीज़ें नहीं देखी है तो आप वीडियो को देखिए। और ये मेरे जो साथी हैं जो इस संग्रहालय को मेरे साथ देखने आए हैं, वो ये सामने आप देख रहे हो। और इनके पीछे जो वीडियो में आपने जो स्टेचू ऊँट ये पहले देख ही लिए, और ये मेवाड़ के मेवाड़ाधिपति महामंगलेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है आप देख रहे हो, ये इस संग्रहालय के एंट्री गेट पर स्थित है। लेकिन मैंने सबसे अंत में इसको दिखाया है क्योंकि ये महादेव जी का जो मंदिर है वो ज़बरदस्त मंदिर है, इसका मैंने आपको सबसे लास्ट में दिखाया है। और ये इनमें बने हुए हनुमान जी का ये मंदिर है। दोस्तों आपको ये हल्दीघाटी संग्रहालय का तीसरा पार्ट बहुत पसंद आया होगा, आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त ये संग्रहालय है। और इसमें सारी तीनों पार्टों में सारे महाराणा प्रताप का इतिहास, युद्ध का इतिहास, चेतक का इतिहास और इनके राजवंश का इतिहास, सारी कहानी मैंने इस वीडियो तीनों वीडियो में बताई है। दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए होगा, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे कैसे लगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।